दोस्तों आपके मन में भी यह सवाल कभी न कभी अवश्य आया होगा कि आखिर ईश्वर ने इस संसार की रचना क्यों की। जहां तक आम धारणा है और शास्त्रों का मत है तो उससे यह लगता है कि ईश्वर खुद तो इस संसार के द्वैत नियमों से अलग हैं। उन्हें न सुख न ही दुख किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं वह कर्म के बंधन से ही बंधे हैं। फिर ईश्वर ने इस संसार की कल्पना इसकी रचना क्यों की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद विमल और विमल वाणी पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आज हम इसी प्रश्न का उत्तर जानेंगे। परमहंस योगानंद जी इस विषय में कहते हैं, अगर भगवान को इस दुनिया की जरूरत है तो इसका मतलब यह होगा कि वह अपूर्ण है, अपने आप में पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। लेकिन ईश्वर तो पूर्ण भी हैं और संतुष्ट भी। भारत के प्राचीन ऋषि अस्तित्व के मूल में जाकर यह घोषणा करते हैं कि ईश्वर पूर्ण है और वह कुछ भी नहीं चाहते, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं के भीतर है। उनके इसी दिव्य खेल को हम लीला या नाटक कहते हैं। ऐसा लगता है मानो ईश्वर एक छोटे बच्चे की तरह हैं, जिसे खेलना और खेल पसंद है। उनकी लीला अंतहीन और लगातार परिवर्तनशील है। मैं अक्सर यह सोचा करता था कि ईश्वर तो सर्वव्यापक हैं, वह परमानंद स्वरूप हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा नहीं है जो उनके साथ उस परमानंद का अनुभव कर सके। वह पूर्णतः अकेले हैं। इसलिए ईश्वर ने कहा, मैं एक ब्रह्मांड की रचना करता हूँ और खुद को ही अनेकानेक आत्माओं में विभक्त कर लेता हूँ, जो मेरे साथ मेरे इस अंतहीन खेल या नाटक में खेलते रहेंगे। अतः ईश्वर अपने माया की शक्ति से एक से दो या अनेक में विभक्त हो गए, जैसे आत्मा और प्रकृति, पुरुष और स्त्री, नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा। यद्यपि ईश्वर ने इस मायावी द्वैत संसार की रचना की, लेकिन फिर भी वह खुद उस माया से परे हैं। वह जानते हैं कि हर वस्तु उन्हीं का एक प्रतिबिंब है, जो उन्हीं से निकला है और ब्रह्मांड या चेतना का ही अंश है। इंद्रियों या भावनाओं के सभी अनुभव, युद्ध और शांति के नाटक, बीमारी और स्वास्थ्य, जीवन और मृत्यु, यह सब कुछ ईश्वर में ही घटित हो रहा है। लेकिन फिर भी वह हर चीज से दूर है, परे हैं। उनकी अनंत सत्ता का एक हिस्सा स्पंदनात्मक द्वैत से परे निष्क्रिय रहता है, किंतु जब वे विविधता के विचारों से अपनी चेतना को स्पंदित करते हैं, तब वे अनंत ब्रह्मांड के सीमित स्पंदनात्मक क्षेत्र के निर्माता के रूप में सर्वव्यापी और सक्रिय हो जाते हैं, और इसी प्रकार यह सृष्टि चलती रहती है। दोस्तों यानी कुल मिलाकर समझा जाए तो यह संसार केवल एक लीला है, और हम तब तक इस माया या लीला में फंसे हुए हैं जब तक हम इसे हकीकत मान रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई बातों से कोई सवाल आपके मन में आता हो तो अवश्य कहें। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।